Now, children, let's move on to chapter 21, and the name is playing hockey. So, field hockey is played between two 11 members team. फील्ड हॉकी जो ग्राउंड में खेली जाती है वो दो टीमों के बीच में खेली जाती है, जिसमें 11-11 मेंबर्स होते हैं. यूजिंग स्टिक्स विद अ हुक एट द एंड. तो यहाँ पे हॉकी स्टिक होती है लंबी सी और ये जो है हुक टाइप में होती है एंड में. द एम इज टू हिट अ बॉल विद द ओपन एंड टू द ओपोनेंट्स गोल. सो इसमें क्या होता है, जो टीम होती है, मान लो ये टीम ए है, तो इसे जो है बॉल को ओपोनेंट टीम के कोर्ट में जो है डालना होता है. इन अ गेम ऑफ हॉकी देर आर यूजुअली 2 35-minute हाफ. हॉकी के गेम में 35 मिनट्स के दो हाफ होते हैं, विद अ 5-minute इंटरवल इन बिटवीन, जिसमें 5 मिनट का इंटरवल होता है. एंड ये देख सकते हो आप हॉकी का फील्ड, जहाँ पे ये है सेंटर लाइन, 23 मीटर्स पे लाइन ड्रॉ है दोनों तरफ, ये है ब्रोकन लाइन और ये है पेनल्टी स्पॉट. ये 6.40 मीटर की होती है, यहाँ पे 14.63 मीटर की है. एंड ये पूरा आप देख सकते हो कैसे हॉकी का ये जो फील है ये बनाया जाता है. गोल लाइन बिटवीन द पोस्ट, शूटिंग सर्कल कहाँ पे है, साइड लाइन, All lines with 7.5 centimeter, penalty corner, goal post. Again, आप देख सकते हो कितने मीटर का penalty corner है. So this is your hockey field, field hockey आप यहीं पे खेल सकते हैं. Basic hockey field terms. अब क्या क्या hockey field terms हैं, चलिए वो पढ़ लेते हैं. पहला है स्ट्राइकिंग सर्कल. क्या होता है स्ट्राइकिंग सर्कल? द सेमी सर्कल लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द गोल. अ गोल कैन ओनली बी स्कोर्ड व्हेन द अटैकर हिट्स द बॉल इनसाइड द ओपोनेंट स्ट्राइकिंग सर्कल. तो स्ट्राइकिंग सर्कल क्या है, ये एक सेमी सर्कल है जो गोल के सामने बना हुआ होता है. और गोल तभी माना जाता है जब जो है ओपोनेंट जो है ओपोनेंट के आप गोल को उसमें आप जो है स्ट्राइक कर देते हो. नेक्स्ट इज गोल लाइन. लाइन मार्किंग द एंड्स ऑफ द प्लेइंग फील्ड. ये जो लाइन है ये फील्ड के एंड में होती है. द बॉल मस्ट क्रॉस द लाइन फॉर इट टू काउंट एज अ गोल. ये जो बॉल है इसे जो है लाइन को क्रॉस करना चाहिए. नेक्स्ट इज साइड लाइन. लाइन मार्किंग द साइड ऑफ द प्लेइंग फील्ड. ये जो लाइन है ये प्लेइंग फील्ड के साइड में होती है. When the ball crosses this line, the opponent team puts it back into play. तो क्या होता है, जैसे इस लाइन को क्रॉस करती है बॉल, जो ओपोनेंट टीम है, ऑपोजिंग टीम है, वो क्या करती है बॉल को प्ले में ले आती है एट द सेम प्लेस. नेक्स्ट इज सेंटर लाइन. लाइन डिवाइडिंग द फील्ड इंटू टू जोन्स. सेंटर लाइन फील्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, वन फॉर ईच टीम. रेफरी. रेफरी क्या है, द रेफरी कंडक्ट्स द गेम इन द फ्री एंड फेयर मैनर. रेफरी क्या करता है, गेम को फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट करता है. ही फॉलोज एंड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट्स द रूल्स लेड डाउन. ये क्या करता है, रूल्स को फॉलो करता है और उसे इम्प्लीमेंट करता है. डिड यू नो चिल्ड्रेन दैट इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल ग्रास फील्ड, हॉकी टूर्नामेंट्स आर नाउ मोस्टली प्लेड ऑन आर्टिफिशियल सर्फेस कॉल्ड एस्ट्रो टर्फ. आपको पता है कि ट्रेडिशनल जो था पहले क्या था, ग्रास का फील्ड होता था, वहाँ पे लोग हॉकी खेलते थे. अब ये चीज़ हट गई है, उसकी जगह पे आर्टिफिशियल फील्ड्स बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल सरफेस पे हॉकी खेली जाती है. एस्ट्रो टर्फ वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1970 में पहली बार ये एस्ट्रो टर्फ बनाया गया था. नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हॉकी प्लेयर्स एंड राइट देयर नेम्स. तो यहाँ पे कुछ हॉकी प्लेयर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, इनके नाम हमें लिखने हैं. सो ये चिल्ड्रेन द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ इंडिया एंड द पिक्चर इज ऑफ जर्मनप्रीत सिंह फ्रॉम इंडिया. सेकेंड पिक्चर इज ऑफ अरान जेलेवस्की फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. थर्ड पिक्चर इज ऑफ जैचरी वैलेस फ्रॉम
England. Fourth picture is of Max Grambrush from Germany. तो ये क्या है, famous hockey players हैं different countries के. Children, do you know that men's field hockey has been included in the Olympic Games since 1908? आपको पता है कि जो men's hockey है उसे Olympics में नाम दिया गया है, वहाँ पे ये खेली जाती है और कब से, 1908 से. While women's hockey became an Olympic event in 1980, लेकिन जो women's hockey था वो 1980 में Olympics में गई. So isn't it amazing? Now let's move on to B part. Here what you have to do, you have to take the correct option. So here the first question is, which among these is the highest governing body of hockey? इनमें से कौन है हॉकी का highest governing body? तो answer है International Hockey Federation. Second one is, total number of players in the hockey field on the field in the hockey match is 11 players. Third one is, which player is allowed to touch the ball with his feet during the hockey match? तो हॉकी मैच में कौन सा प्लेयर है जो बॉल को पैरों से छू सकता है? ही इज द गोलकीपर. फोर्थ वन इज द डायमेंशंस इन द हॉकी फील्ड आर, हॉकी फील्ड का क्या डायमेंशन है? सो इट इज 91.4 मल्टीप्लाई 55 मीटर, मींस 91.4 एंड meter length and 55 meter breadth. So this is the dimension of hockey field. So similarly children, you have to answer the rest of these questions yourself. So read it out and do it yourself.